हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू एंड वेलकम वंस अगेन फ्रॉम माय साइड. सो दिस इज़ अ वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 6 ऑफ जनरल साइंस थिंक फूड फर्स्ट. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लेसन 6 हम स्टडी करेंगे एंड उसका नाम क्या है, थिंक फूड फर्स्ट. व्हाट डू वी नीड व्हेन वी फील हंग्री. जब कभी आपको ये हमें भूख लगती है तो हम क्या फील करते हैं, है ना. जब हमें भूख लगती है तो हमें क्या चाहिए, वी नीड फूड. जब भी हम हंग्री फील करते हैं हमें खाना चाहिए. फूड मेक्स आवर बॉडी ग्रो एंड इट कीप्स अस हेल्दी. खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि खाना हमें को क्या करता है, ग्रो करने में, बड़े होने में हेल्प करता है, हमको हेल्दी यानी तंदुरुस्त रखता है, सेहतमंद रखता है और हमको एनर्जी भी देता है. एंड इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड टू प्ले. इसके अलावा खाना हमको क्या देता है, एनर्जी भी देता है, जिससे कि हम क्या करें, कोई भी काम कर सकते हैं या खेल सकते हैं. तो जब भी हमें भूख लगती है हमें किसकी ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत होती है. और फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इट हेल्प अस टू ग्रो, इट कीप्स अस हेल्दी एंड इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड टू प्ले आल्सो. देन मोस्ट ऑफ आर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड द एनिमल्स. अब हमारा जो खाना है हमें किससे मिलता है, ज़्यादातर प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल से मिलता है. जैसे कि एनिमल से तो हमको क्या मिलता है, मिल्क, एग्स, है ना, मीट, ये सब चीज़ें हमको एनिमल से मिलती हैं. लेकिन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, ये सारी चीज़ें हमको किससे मिल रही हैं, प्लांट से मिलती हैं. इट मीन्स हमारा खाना हमें किससे मिलता है, ज़्यादातर या तो प्लांट से या फिर एनिमल से मिलता है. नॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. अब हम यहाँ कब स्टडी करेंगे, अलग अलग फूड आइटम हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है और उससे हमको क्या क्या मिलता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरह का खाना हमें अलग अलग तरह से क्या है, ज़रूरी है और हमारे अलग अलग तरह से हेल्प करता है. हमारे खाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लंच में हमारे जैसे चपाती, राइस, वेजिटेबल है, पिकल है, कर्ड है, या फिर ये खाना हमें को क्या करता है, अलग अलग खाना हमारी अलग अलग ज़रूरत को पूरा करता है. जैसे कि सम फूड हेल्प अस टू ग्रो. कुछ खाना हमारे लिए ग्रो करने में यानी बढ़ने में हेल्प करते हैं. प्रोटीन लाइक डाइट जैसे कि मिल्क, एग एंड दाल, दीज फूड आइटम हेल्प अस टू ग्रो, है ना. कुछ खाना जैसे हम क्या खाते हैं, जिसमें जैसे दाल है या मिल्क है या एग है, ये फूड आइटम हमारे को ग्रो करने में यानी बढ़ने में हेल्प करते हैं. एंड दे मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. और ये खाना हमारे लिए क्या करता है, हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और हमारी मसल्स को भी मजबूत बनाता है. तो इट मीन्स सम फूड डेट हेल्प अस टू ग्रो आर मिल्क, एग एंड दाल एक्सेट्रा. देन सम फूड्स गिव अस एनर्जी. सम फूड्स गिव अस एनर्जी. कुछ खाना ऐसा है जिससे हमें खाने से एनर्जी मिलती है. लाइक शुगर, बटर, राइस एंड जैगरी गिव अस एनर्जी. फूड आइटम जैसे कि शुगर है, कोई मीठा है या शक्कर है, जैगरी गुड़ है या फिर राइस है, पटेटो है, इनको खाने से हमको एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी से हम हमारा काम करते हैं. एंड वी यूज दिस एनर्जी फॉर वर्किंग एंड प्लेइंग. और इस एनर्जी से हम क्या करते हैं, हमारा काम करते हैं या फिर हम खेलने कूदने में हम इस एनर्जी को काम में लेते हैं. देन सम फूड्स कीप अस हेल्दी. कुछ खाना हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है, हमें बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ताकत देता है यानी हमें हेल्दी रखता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक एंड वी नीड टू ईट सम ऑफ दीज फूड एवरी डे. यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हम खाते हैं ये हमारे अंदर क्या करता है, हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए, इनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करते हैं और हमको हेल्दी रखते हैं. एक्सरसाइज एंड योगा आल्सो हेल्प अस टू स्टे फिट एंड हेल्दी. इसके अलावा खाली खाना ही नहीं बल्कि हमें एक्सरसाइज या योगा भी करना चाहिए जिससे हमारी शरीर कैसा रहे, फिट भी रहे और हेल्दी भी रहे यानी सेहतमंद भी रहे. तो ये अलग अलग फूड आइटम थे जिनने जिससे हमें अलग अलग तरह के काम में आते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. ओके, यानी कि हमारी खाना खाने की आदतें कैसी होनी चाहिए, हमारी खाना खाने की आदतें अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होना चाहिए. खाली हमें खाना ही हेल्दी नहीं खाना है, या हम ऐसा खाना नहीं खाना जिससे हम ग्रो करेंगे या हम है ना हेल्दी रहेंगे या हमें एनर्जी मिलेगी, बल्कि हमारी हैबिट्स भी जो है वो हेल्दी होना चाहिए. क्या क्या हेल्दी हमारी क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए,
जैसे कि फर्स्ट वी मस्ट वॉश आर हैंड एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, यानी कि हमें हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमारे हाथों को अच्छे से धोना चाहिए और हमारे माउथ को भी अच्छे से वॉश करना चाहिए. ओके, यानी वी मस्ट वॉश आर हैंड्स एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. हर खाना खाने के, चाहे हम ब्रेकफास्ट करते हैं या लंच करते हैं या डिनर करते हैं, हर खाना खाने के बाद और पहले, हर मील के पहले या बाद हमारे हाथ और मुंह धुले होना चाहिए, हमें धोना चाहिए. देन वी मस्ट ईट स्लोली एंड च्यू आवर फूड वेल. हमें खाना कैसा खाना चाहिए? धीरे धीरे खाना चाहिए और खाने को अच्छे से च्यू करना चाहिए, अच्छे से चबाना चाहिए. यानी हमें कभी भी खाना खाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमें आराम से अच्छे से चबाकर खाना चाहिए. वी मस्ट नॉट ईट अनकवर्ड फूड सोल्ड बाय हॉकर्स. इसके अलावा अनकवर्ड फूड जो कि ठेलों के ऊपर बिकता है, जो हॉकर्स बेचते हैं, बिना ढका हुआ कोई भी फूड आइटम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनके अंदर डस्ट, डर्ट और जम्स हो सकती हैं. अगर हम ऐसा खाना खाएंगे जिसके ऊपर डस्ट है या जम्स हैं तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, बिना ढका हुआ बाज़ारों में जो ठेलों के ऊपर जो फूड आइटम्स मिलते हैं उनको कभी भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हम उससे बीमार पड़ सकते हैं. वी मस्ट हैव आर मील्स एट फिक्स्ड आवर एवरी डे. खाना खाते वक्त हमेशा हमें प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए, उनके बीच में गैप भी प्रॉपर होना चाहिए. ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में गैप होना चाहिए, इसी तरह से लंच और डिनर के बीच में भी गैप होना चाहिए और हमें बिल्कुल फिक्स टाइम पे खाना चाहिए. ऐसा नहीं है जब हमारा दिल चाह रहा है हम खाना खा लें, हमारे मील के बीच में हमारे मील का टाइम फिक्स होना चाहिए और उनके बीच में जो गैप है वो भी फिक्स होना चाहिए. वी मस्ट नेवर स्किप ब्रेकफास्ट. कभी भी जो है वो ब्रेकफास्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, नाश्ता हमें ज़रूर करना चाहिए. एंड वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड वी मस्ट नॉट वेस्ट द फूड. पानी भी हमें खूब पीना चाहिए जिससे कि हमारे फूड का डाइजेशन अच्छा हो, हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी ना आए, तो हमें पानी बहुत सारा पीना चाहिए. और बच्चों, खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. जो भी आप खाना, जितना आपको खाना है, जितना आपको अपना मील खाना है, उतना ही आपको प्लेट में लेना चाहिए. और वी शुड नेवर वेस्ट आवर फूड. हमें कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो ये तरह हमारी कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स थी जो हमें रोज़ करना चाहिए, रोज़ फॉलो करना चाहिए. देन हेल्दी टीथ, यानी हमारे दांत भी कैसे होना चाहिए, मजबूत और सेहतमंद होना चाहिए. क्या क्या टिप्स है हमारे हेल्दी टीथ रखने के? ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट. ब्रशिंग हेल्प्स टू क्लीन द बिट्स ऑफ फूड स्टक बिटवीन आवर टीथ. हमें हमेशा दो टाइम्स, हमें वी हैव टू ब्रश अवर टीथ ट्वाइस इन अ डे, मॉर्निंग एंड इन द बिफोर गोइंग टू बेड, है ना, सोने से जाने से पहले. और मॉर्निंग में हमें हमारे दांतों को साफ करना चाहिए. दो बार हमें दिन में दांत को साफ करना चाहिए, फर्स्ट एक तो मॉर्निंग में एंड सेकंड बिफोर गोइंग टू बेड. जब हम सोने जा रहे हैं उससे पहले हमें हमारे दांतों को ब्रश करना चाहिए. इससे क्या होगा, जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, वो निकल जाएंगे और हमारे दांत साफ हो जाएंगे. इसके अलावा हमें चॉकलेट स्वीट्स भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे दांतों को नुकसान हो सकता है. बर्गर, वेफर्स, पिज्जा, कोला, यानी जंक फूड, ये जो जंक फूड है इससे हमारी हेल्थ और हमारे टीथ दोनों को नुकसान होता है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए. एंड टू कीप आवर टीथ हेल्दी वी मस्ट विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली. डेंटिस्ट यानी जो दांतों के डॉक्टर हैं, उनको हमें हमेशा रेगुलरली विजिट करना चाहिए जिससे कि हमारे दांतों का चेकअप हो सके और हमारे टीथ जो है वो हमेशा हेल्दी रह सके. अगर टीथ हेल्दी होंगे तो हम अच्छे से खाना चबाएंगे और अच्छे से खाना चबाएंगे तो हमारे फूड का डाइजेशन भी प्रॉपरली होगा और हमें हमेशा अच्छी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन 6. थैंक यू स्टूडेंट्स.